हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हैश टैग क्रिएटिव आरती पोरवाल में दोस्तों मैं हूँ आरती और आज हम बात करने वाले हैं स्ट्री वैकेंसी काउंसलिंग से रिलेटेड दोस्तों आपको जैसा कि मालूम है इंस्टीट्यूशनल लेवल पर ये काउंसलिंग होने वाली है तो दोस्तों आज एक स्टेट ने अपने इंस्टीट्यूशनल लेवल पर मोपअप राउंड का जिसको सेकेंड राउंड कहते हैं या स्ट्री वैकेंसी राउंड कह लीजिए शेड्यूल निकालना है, है एलिजिबिलिटी निकाली है फीस स्ट्रक्चर निकाला है तो दोस्तों पूरी न्यूज़ आपको मैं विस्तार से दूंगी लेकिन इसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके आगे जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर भी करिएगा तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं शेड्यूल फॉर मॉपअप एंड इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड फॉर एमबीबीएस बी डी एस कोर्स ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने निकाला है स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल दोस्तों जैसा कि पता है आपको महाराष्ट्र तमिलनाडु और कर्नाटक में सबसे ज्यादा वैकेंसी है सीट्स हैं नंबर ऑफ सीट्स वैकेंट हैं तो द वैकेंसीज ऑफ एमबीबीएस बी डी एस कोर्स आफ्टर लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग मोपअप सेकेंड राउंड डेट इज सेवन जनवरी विल बी फिल्ड बाई कमिश्नर एंड कम्पन अथॉरिटी स्टेट कॉमन एंट्रेंस एल महाराष्ट्रीबीएस्यू एज पर शेड्यूल गिवेन बिलो अब जो आपका रजिस्ट्रेशन uh, हो गया है तो इसकी uh, क्या काउंसलिंग uh, की एलिजिबिलिटी है और क्या डेट्स हैं वो अनाउंस हो गई है पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसी पोजिशन एंड पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट सेपरेटली फॉर स्टेट कोटा सीट्स एंड इंस्टीट्यूशनल कोर्स एज ऑन सात जनवरी पर नॉन एलिजिबल फॉर एमबीबीएसबल कैंडिडेट हुआ स्टेट कोटा फॉर एमबीबीएस बी डी एस कोर्स एज ऑन सात जनवरी आर नॉट एलिजिबल फॉर बी डी एस कोर्स तो दोस्तों इनकी जो है आठ जनवरी को पांच बजे के बाद

अवेलेबल ऑन स्टेट सेट सेल वेबसाइट ये ग्यारह जनवरी को आफ्टर सिक्स पी एम तो दोस्तों joining period क्या है सिलेक्शन कैंडिडेट का जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएंगे वो फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में उनको ग्यारह जनवरी को विद ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड रिक्वायरमेंट फी के उन्हें बारह जनवरी से चौदह जनवरी के बीच में जो है रिपोर्टिंग करनी है और चौदह जनवरी को आफ्टर सिक्स पी एम लगाई जाएगी पब्लिकेशन ऑफ सेकेंड सिलेक्शन लिस्ट फ्रॉम द वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स ऑफ रिस्पेक्टिव कोटा कोटाइज लिस्ट ऑन नोटिस बोर्ड एंड वेबसाइट ऑफ रिस्पेक्टिव कॉलेजेस द लिंक ऑफ कॉलेज वेबसाइट विल भी अवेलेबल ऑन स्टेट सेटसल वेबसाइट ये चौदह जनवरी को आठ बजे के बाद शाम को ज्वाइनिंग पीरियड ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स एज पर सेकेंड सिलेक्शन लिस्ट डेटेड चौदह जनवरी विल ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड रिक्वायरमेंट फीस ये पंद्रह जनवरी को तीन बजे तक तो दोस्तों ये पूरा स्टे वैकेंसी का शेड्यूल इन्होंने निकाला हुआ है इसको ध्यान से आप देख लीजिए जो बच्चे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं उनके लिए है उनकी फर्स्ट पहले एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट आने वाली है उसके बाद प्रोविजनल लिस्ट के बाद एलिजिबल लिस्ट आ जाएगी मेरिट लिस्ट उसके बाद फर्स्ट सिलेक्शन इसके बाद जो वेटिंग लिस्ट है वो भी आएगी तो इस तरह से आपका ये काउंसलिंग महाराष्ट्र में पूरा होगा अब इसके लिए उन्होंने प्रोसीजर निकाला है क्या प्रोसीजर है कि कैसे ये काउंसलिंग आपकी प्राइवेट और जो पेड कॉलेज हैं उनमें कैसे होगी तो इंस्टीट्यूशनल राउंड इज ओनली फॉर प्राइवेट जो ये प्राइवेट ही कॉलेज के लिए खाली होती है और जो सीट्स बची हुई हैं आफ्टर मॉपअप राउंड के मॉपअप सेकंड राउंड के बाद जो सीट बचेगी उसके लिए सिबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूट टू वेरीफाई एंड असर्टेन एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा वैसे ही रहेगा जो लिस्ट एलिजिबल कैंडिडेट्स की वो पब्लिश कर दी जाएगी आठ जनवरी को जैसा कि आपको मालूम है आज ये लिस्ट आ जाएगी ऑल एलिजिबल कैंडिडेट रजिस्टर्ड विद स्टेट कोटा ये पे करेंगे एक हजार रुपए और छह हजार रुपए कैन अप्लाई फॉर एडमिशन ऑन वैकेंट सीट स्टेट कोटा सीट्स ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड विद स्टेट सेट सेल हु हैव पेड जो पेड कर देंगे इतने पाँच हजार रुपए और छह हजार रुपए कैन अप्लाई फॉर एडमिशन ऑफ वैकेंट इंस्टीट्यूशनल कोटा इसके बाद फॉर इंस्टीट्यूशनल राउंड एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड अप्रोच टू द प्रिपल ऑफ रिस्पेक्टिव कॉलेज विद इनक्राइब टाइम एंडमिट सेल तो दोस्तों फॉर वैकेंट स्टेट कोटा है और जो बोथेंट इंस्टीट्यूशनल कोटा है जो 15 के लिए, तो प्लीज़ आपको ये रूल जो है फॉलो करना पड़ेगा दोनों के अलग अलग है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ड्यूरिंग इंस्टीट्यूशनल राउंड अ कैंडिडेट शुड सबमिट ऑल हिज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद रिक्वेसाइड फी इन द फॉर्म ऑफ डी डी आर चेक ड्यूरिंग प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट ठीक है ये सारे नोटिफिकेशन आपको बता दिए गए हैं ऐसे ही सारे नोटिफिकेशन बहुत सारे दिए इनको आप पढ़ लीजिएगा और 15 जनवरी को साढ़े तीन बजे पब्लिश हो जाएगी कोटा वाइज रेजिडुअल वैकेंसी अगर कोई भी बची होंगी वैकेंसी तो वो 15 जनवरी को साढ़े तीन बजे डाल दी जाएगी रिपोर्टिंग ऑफ वेट लिस्टेड कैंडिडेट टू कॉलेज फॉर रेजिडुअल वैकेंसी द लिस्ट ऑफ कॉलेज गिवेन बिलो आपको थ्री पी से पाँच पी को पंद्रह जनवरी को लग जाएगी मतलब पंद्रह जनवरी तक आपका सारा काउंसलिंग का जितना भी है कट ऑफ डेट सब कुछ निकाल दिया जाएगा फिर जो कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक सेशन है वो दो फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा अब शेड्यूल फॉर राउंड थर्ड एंड फोर्थ ओनली गवर्नमेंट सीट्स इसमें गवर्नमेंट है मेडिकल और डेंटल की ये आठ जनवरी को होगी स्टार्ट पब्लिकेशन ऑफ राउंड थर्ड ओनली फॉर गवर्नमेंट कारपोरेशन मेडिकल डेंटल कॉलेजेस ये आठ जनवरी को होगी आफ्टर चार बजे ज्वाइनिंग पीरियड ऑफ राउंड थर्ड नौ जनवरी बारह नौ जनवरी से बारह जनवरी तक पब्लिकेशन ऑफ राउंड फोर्थ ये आपकी होगी तेरह जनवरी से तेरह जनवरी को शाम को छः बजे इसके बाद ज्वाइनिंग पीरियड फॉर मॉपअप राउंड फोर्थ चौदह जनवरी टू पंद्रह जनवरी इसके बाद कट ऑफ डेट फॉर एम बी बी कोर्स ये पंद्रह जनवरी को होगा फिर कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक सेशन फॉर एम बी बी कोर्स ये दो फरवरी को होगा ठीक है तो कट ऑफ फॉर एम बी बी ये सारा देख लीजिएगा शेड्यूल इसके बाद आपको बता दूँ फॉर एम बी बी एस बी डी एस कोर्स आपको बता दू कि ये जो बी डी एस कोर्स ओनली बारह जनवरी नाउ द कट ऑफ डेट ऑफ बी डी एस कोर्स ओनली बारह जनवरी तक बढ़ा दी गई है इफ़ अ कैंडिडेट कैंसल दिस डेटी पे पेनल्टी उसको पेनल्टी मिल जाएगी और पेनाल्टी क्या है आपको बता दूं लैप्स ऑफ सीट पे अगर कोई कैंडिडेट रिस्पॉन्सिबल है पेनाल्टी इज एप्लीकेबल टू ऑल दो लास्ट राउंड ऑफ कैंसल सीट आफ्टर लास्ट राउंड ऑफ एडमिशन दिस पेनाल्टी इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू एनी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन A seat after cutoff date for MBBS BDS course are also fails to complete the course irrespective of admission quota of the candidates. If a candidate is upgraded during any mop up round for private to government college and from private dental college to private medical college during institutional level round, then there will be no penalty. क्लॉस अप्लीकेबल टू हिम हर रजिस्ट्रेशन दोस्तों कि आपको अगर 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 होता है आपका सीट का तो कोई पेनाल्टी नहीं होगी लेकिन अगर आपको सीट मिली और वो सीट आपने छोड़ दी, नहीं ली तो आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी यानी आपकी जो सिक्योरिटी मनी वो जब्त कर ली जाएगी इसके बाद थोड़े से और उन्होंने इंस्ट्रक्शन निकाले हैं कि द एडमिशन प्रोसेस शुड बी कम्पलीटेड बिफोर कट ऑफ डेट पब्लिश फॉर इच कोर्स डेट इज डिक्लेयर बाय सेंट्रल काउंसिल एंड कम्प्यूट अथॉरिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम एट द एडमिशन और सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ एडमिशन रेगुलेटिंग कट ऑफ डेट तो ये जो पूरा महाराष्ट्र का शेड्यूल है दोस्तों इसको आप महाराष्ट्र की वेबसाइट से जरूर डाउनलोड कर लीजिए इस काउंसलिंग को इस काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है और इसके रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और इन्होंने प्रोसेस निकाला है फिफ्टीन परसेंट सीट के लिए भी एक एप्लीकेशन फॉर्म है इसको फिल कर लीजिएगा ये आज की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है और एक और उन्होंने निकाला फॉर एमबीबीएस बी स्टेट कोटा दोनों का अलग अलग एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर्म है एडमिशन फॉर्म है इसको फिल कर सकते हैं आप इसको फिल करने के बाद ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा तो दोस्तों ये पूरी न्यूज़ थी महाराष्ट्र के बारे में अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो और यहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिए मैं आपको और भी स्टेट्स की लेटेस्ट अपडेट जैसे भी आएगी तुरंत दे दूंगी थैंक यू